हे गाइस गाइस वेलकम टू पीएम पाठशाला आज हम चैप्टर लेंगे आर एस शर्मा का एज ऑफ मौर्या के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे स्टार्ट हुई एज ऑफ और इनके कौन कौन से रूलर्स रहे इनकी कैसी ऑर्गेनाइजेशन थी सब के बारे में डिस्कस करेंगे देखो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में समझते हैं देखो मौर्य डायनेस्टी जो थी ना उसके जो फाउंडर थे बेसिकली वो चंद्रगुप्त मौर्य थे ही हैज बेसिकली फाउंडेड दी चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडेड दी मॉरन डायनेस्टी मॉरियन डायनेस्टी इन्होंने फाइंड आउट किया ही सीम्स टू हैव बिलोंग टू समनरी फैमिली से बिलोंग करते थे ऐसा पता लगता है ब्रामनिकल ट्रेडिशन से पता चला कि ये मूरा में बॉर्न हुए थे मूरा बेसिकली शुद्रा वुमेन द कोर्ट ऑफ नंदाज होती थी तो ही वॉज बॉर्न ऑफ मूरा उनकी जो मदर थीं वो मूरा की थी मूरा थी थी उनका नाम था और वो शुद्रा वुमेन थी जो कोर्ट ऑफ नंदाज में काम करती थी बट एन अर्लियर बुद्धिस्ट ट्रेडिशन जो स्पीकिंग्स आई हैं एक्जिस्टेंस ऑफ एक का शषत्रिया क्लैन जैसे मौर्यास उनसे कहते हैं तो ज़्यादातर माना जाता है जो मौर्यास थे वो क्षस्त्रिया क्लैन के थे और गोरखापुर गोरखपुर और नेपाली स्थराई के आसपास एज्वाइनिंग एरिया में रहते थे तो नॉन लाइकलीहुड चंद्रगुप्त बेसिकली मैंबर थे इस क्लैंड के ऐसा माना जाता है तो जैसे ही उनको लगा कि भाई नंदास की वीकनेस और अनपॉपुलैरिटी शुरू हो गई है तो उन्होंने वहाँ पर सोचा कि ये अपॉर्चुनिटी है उनके लिए और विद द हेल्प ऑफ चाणक्य जो कि कौटिल्य जिसे हमने कहते हैं ही ओवरथ्यू द नंदास और तो उन्होंने मौर्य डायनेस्टी का रूल एस्टैब्लिश कर दिया जस्टिन था ही वॉज अ ग्रीक राइटर जिसने कि चंद्रगुप्त मौर्य के लिए लिखा था कि उनके पास उन्होंने ओवर रैन करा होल ऑफ इंडिया विद एन आर्मी ऑफ सिक्स लैक एंड दिस मे और मे नॉट बी ट्रू बट चंद्रगुप्त मौर्य लिबरेटेड नॉर्थ वेस्ट इंडियन इंडिया को उन्होंने सबसे पहले सेल्यूक्सिन से बजाया जिन्होंने इंडस वाले पार्ट में रूल करा था इन द वॉर ग्रीक जो वाइस रॉय था चंद्रगुप्त Seems to have come out victorious victorious and eventually peace was concluded between the two और जो सेलिकस था उसने रिटर्न में जब उसने हरा दिया रिंद्रगुप्त मौर्य जी ने सेल्यूकस को तो उन्हें फाइव हंड्रेड एलिफेंट्स दिए जो कहाँ से आए थे ईस्टर्न अफगानिस्तान बलूचिस्तान एरिया वेस्ट ऑफ इंडस से चंद्रगुप्त ने एक वास्ट एम्पायर क्रिएट करा नॉट ओनली इन बिहार बल्कि उड़ीसा और बंगाल के पोर्शन में और साथ ही साथ वेस्टर्न एंड नदन इंडिया में नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में भी डिंड में भी केरला को अगर हम छोड़ दें तमिलनाडु एंड पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न को छोड़ दें तो बाकी सारा इलाका इनका बन गया था तो मॉरेज रूल ओवर द होल ऑफ़ सब कॉन्टिनेंट बेसिकली तो नॉर्थ वेस्ट हेल्स एंड सर्टन एरियाज विच व नॉट इंक्लूडेड इवन इन ब्रिटिश एम्पायर उन एरियाज को अगर नॉर्थ वेस्ट के कुछ छोड़ दो तो मतलब जहाँ की तुम समझ लो जहाँ के टफ़ टेन्नस थे वहाँ छोड़ के बाकी सारा एरिया इनका इनका ही था उसके बाद एम्पीरियल ऑर्गेनाइजेशन की इसमें बात की देखो मौर्यास का ना बहुत ही इलाबोरेटिव सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था यानी कि अब मैगस्थिन अपने अकाउंट में लिखता है कि अर्थशास्त्र जो कौटल्य का था मैगस्थनी वॉज अ ग्रीक एम्बेसडर जिसको सेल्यूकस से ने भेजा था इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य मॉरन कैपिटल पाटलिपुत्र में रहता था और उसने नॉट ओनली राइट अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन सिटी ऑफ पाटलिपुत्र बल्ट उसने पूरा मौर्य एम्पायर को अच्छे से बताया हुआ है तो मैगस्थनी दे नाउ सर्वाइव इन फुल बट कोटेशन जो उसकी वर्क ऑफ सेवरल सब ग्रीक राइटर्स की मिलती है तो उस फ्रेगमेंट्स कलेक्ट करके किताब में उसको बट बना गया जिसमें कि पता चला कि उसने

तो ऑन द बेसिस ऑफ टीट दो सोर्सेज मिलते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य का पता चलता है कि वो ऑटोक्रेट थे यानी कि सारी की सारी पावर ऑटोक्रेट कौन से लीडर्स होते हैं जिनके पास सारी पावर चंद्रगुप्त मौर्य जी के पास होती तो इफ़ वी बिलीव इन स्टेटमेंट ऑफ अर्थशास्त्र तो किंग एक हाई आइडियल माना जाता था तो ही स्टेटेड दैट इन द हैप्पीनेस ऑफ हिज सब्जेक्ट ले हिज सब हैप्पीनेस एंड इन दर ट्रबल्स सब लोगों को ट्रबल हो गई अगर वो खुश तो सब खुश वो नाराज़ तो सब नाराज़ तो बट वी नॉट नो हाउ फार द किंग एक्टेड अपॉन दीज नॉम्स तो अकॉर्डिंग टू मैगसनीस किंग वॉज असिस्टेड बाय काउंसिल के थ्रू असिस्ट किया जाता था हुज़ मेंबर वर नोटेड फॉर विजडम यानी कि उसके काउंसिल में लोग बैठे थे वो सारे विजडम वाले होते थे देर इज नथिंग टू शो दैट देर एडवाइज वॉज बाइंडिंग ऑन द किंग बट जो काउंसलर्स होते थे वो हाई ऑफिसर्स वगैरह ये सब चोजन किए जाते थे तो एम्पायर आपके ना प्रोविसेज में डिवाइड था गायस हर प्रोविंस में एक प्रिंस होता था और उसके फिर आपके साथ रॉयल डानेस्टी में चलती आ रही थी फिर प्रोविंसेस फर्दर डिवाइडेड इन स्मॉलर यूनिट्स में फिर उनको इसके वेट करा नंबर ऑफ़ टाउन जो भी मॉरन टाइम से बिलोंग करते थे उनको देखा गया एड अटेंशन दी गई तो एडमिनिस्ट्रेशन जो पाटलीपुत्र को शाम्बी उज्जैन का टक्स तक्शिला का ये बहुत इंपॉर्टेंट सिटीज़ थी मौर्यन एम्पायर की तो जो एडमिनिस्ट्रेशन पाटलीपुत्र का था वो क्योंकि कैपिटल थी पाटलीपुत्र मौर्य की तो वहीं पे सिक्स कमेटी बैठती थी पांच मेंबर्स होते थे हर कमेटी में कमेटी का, का काम क्या होता था सैनिटेशन से केयर ऑफ़ फार्नर्स रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ रेगुलेशन ऑफ वेट एंड मेजर सारे के सारे फंक्शन परफॉर्म करती थी तो साथ ही साथ क्या होने लगा मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर जो चंद्रगुप्त एडमिनिस्ट्रेशन में था वो ज़्यादा देखा जाता था मेंटेनेंस ऑफ ए ह्यूज आर्मी तो अकॉर्डिंग टू अगर आप रोमन राइटर्स के अकाउंट में देखोगे कॉल प्लिनी चंद्रगुप्त मौर्य ने सिक्स लैक फुट सोल्जर्स को मेंटेन किया थर्टी थाउजेंड कैवलरी को नाइन थाउजेंड एलिफेंट्स को अनदर सोर्सेज ये भी बताते हैं कि इनके पास चेरट्स भी होते थे आठ हज़ार मैंटेन करके रखा हुआ था इन्होंने नेवी भी इनके पास होती थी ऐसा बताया जाता है तो जो एडमिनिस्ट्रेशन था मैगस्थनीज का फोर्सेस के अगर जो एडमिनिस्ट्रेशन जो आर्म फोर्सेस का था एज पर मैगस्थनी थर्टी ऑफिस में डिवाइडेड था सिक्स कमेटी के अंदर सिक्स विंग्स होते थे आर्म फोर्सेस के आर्मी कैवलरी एलिफेंट जैरिट्स नेवी ट्रांसपोर्ट ये सब कुछ ना अच्छे से सेपरेट कमेटीज में इन्होंने बनाए हुए थे और मौर्य मिलिट्री स्ट्रेंथ वॉज ऑलमोस्ट थ्री टाइम्स ऑफ द दंदाज एंड दिस अपेरेंटली उसके बाद क्वेश्चन आया कि हाउ डिड चंद्रगुप्त मौर्य मैनेज टू मीट द एक्सपेंसिस आर्मी तो कह रहा है कि ना अर जो अर्थशास्त्रा कौटल्या का था इट वु अपेंड एट स्टेट सारा का सारा ना इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करता था तो स्टेट में कई नए लैंड भी आए अंडर कल्टिवेशन कल्टिवेटर्स और शुद्रा लेबर की वजह से तो वर्जिन लैंड था विच वॉज ओपन टू कल्टिवेशन एंड हैंडसम इनकम ऑफ टू द स्टेट इन अ फॉर्म ऑफ रेवेन्यू जो कलेक्ट किया जाता था न्यूली सेटल्ड आपके पेजेंस के थ्रू तो जो टैक्स कलेक्शन था वो आपका पेजेंस से किया जाता था वेरिएशंस में वन फोर्थ कभी वन सिक्स ऑफ द प्रोड्यूस जो प्रोवाइड करते थे फिर उनको इरीगेशन फैसिलिटी स्टेट उसके ऊपर पे करती थी कभी इमरजेंसी आ जाती थी तो पेजेंस पर कंपेल टू रेज मोर क्रॉप्स टोल्स पर लिवाए किए जाते थे उनकी कमोडिटीज में स्टेट बेसिकली यहाँ पर मोनोपली इंजॉय किस किस एरिया में करता था माइनिंग सेल ऑफ लिकर मैनुफेक्चरिंग ऑफ आर्म सो दस नेचुरली ब्रॉट मनी टू द रॉयल एक्शेकर उसके बाद चंद्रगुप्त जो था ना उसका वेल ऑर्गेनाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था और एक साउंड फिनेंशियल बेस भी बनाया है यानी कि बहुत ही अच्छा एक सिस्टम क्रिएट हुआ इसके बाद ना देखो अशोका का पीरियड था 273 से थ्री बीसी तक इस सन अशोका वो ग्रेटेस्ट रूलर माने जाते हैं मॉडर्न टाइम्स के अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट ट्रेडिशन ही वॉज सो क्रिवल इन इज अर्ली लाइक नाइनटी नाइन ब्रदर्स को इनको मारना पड़ा था थ्रोन लेने के चक्कर में बस सिंस द स्टेटमेंट इज बेज ऑनिजेंड इट मे बी रॉन्ग ऑल्सो बायोग्राफी है बुद्धिस्ट राइटर्स की तो कुछ फिक्शन भी हो सकता है कुछ सीरीज नहीं भी ले सकता तो खैर हमें जो मेन हम जो याद करना है या समझने की बात है कि अशोकन एडिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए देखो वी कैन कंस्ट्रक्ट ना हिस्ट्री ऑफ अशोक ऑन द बेसिस ऑफ इंस्क्रिप्शन के बेसिस पे हमने ना हिस्ट्री ऑफ अशोका को समझना है क्योंकि ये पहले इंडियन थे पहले इंडियन किंग थे जो डायरेक्टली लोगों से बात करते थे किसके थ्रू इंस्क्रिप्शन के थ्रू इनको इंग्रेव करा रखा था इन्होंने रॉक्स में स्टोन पिलर्स में माउंट कराया था कैपिटल्स में केव्स में दे आर फाउंड नॉट ओनली इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट बट आपको कंधार अफगानिस्तान में भी मिलेंगी इन इंस्क्रिप्शन में ना फोर्टी फोर रॉयल ऑर्डर्स होते थे उसकी सेवरल कॉपीज़ को फिर ये जगह जगह बटी होती थी और ज़्यादातर देखा इंस्क्रिप्शन आपके ना प्राकृत लैंग्वेज में लिखी होती थी और ब्रह्मी स्क्रिप्ट होती थी और पूरे इसके एम्पायर में यही वाली भाषा चली है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में खरोस्ती स्क्रिप्ट चलती थी कंधार में भी खरोस्ती रहती थी और खरोस्ती में फिर रिटर्न इन एरामिक में भी लिखा जाता है ग्रीक स्क्रिप्ट में ग्रीक लैंग्वेज में भी लिखा जाता था तो जनरली ये ऐसा इसके लिए आपका अगर करियर एक्सटर्नल डोमेस्टिक पॉलिसीज़ को समझना है तो ये सारे इंस्क्रिप्शन के फॉर्म में अशोका के उसमें लिखा होता था अच्छा इनके टाइम पर ना एक कलिंगा वॉर हुई थी उसके इंपैक्ट दिए हुए हैं देखो आइडियोलॉजी ऑफ बुद्धिज्म गाइडेड अशोका स्टेट पॉलिसी है एट होम एंड अब्रॉड तो याद रखना अशोका जो स्टेट पॉलिसी बनाते थे चाहे डोमेस्टिकली या फॉरन रिलेशन के लिए वो हमेशा किस में बेस्ड होती थी आइडियोलॉजी ऑफ बुद्धिज्म से रिलेटेड होती थी आफ्टर इस एक्सेशन टू द थ्रोन जैसे ये अशोका फॉट ऑनली वन मेजर वॉर जिसको हम कलिंगा वॉर कहते हैं और इस कलिंगा वॉर में एक लाख लोगों की जान गई एक लाख पचास हजार लोग प्रिजनर्स ने, तो तो वॉर द ब्राह्मण ग्रेट सफ़रिंग्स को बहुत दुख हुआ कि ये सब क्या मतलब आप सोचो ना आपके सामने इतने लोग मारे गए तो आप जो गिल्ट से भर जाओगे सैडनेस से भर जाओगे तो ऐसा इनके साथ हुआ. So, ये ने ने कहा आप जो फिजिकल ऑक्यूपेशन की पॉलिसी थी कल्चरल करेंगे अब हम फिजिकल ऑक्यूपेशन वाला पॉलिसी अबेंडन करेंगे और हम चलेंगे पॉलिसी ऑफ कल्चरल कॉन्क्वेस्ट में इन अदर वर्ड बैरीघोषा वॉज रिप्लेस बाय धम्म घोषा तो ही कोटेड इन इज अ वर्ड ऑफ अशोका अपने थर्टीन्थ मेजर रॉक में ये बात को कहते हैं तो आपको गायज ये फैक्चुअल डेटा बिल्कुल याद रखना है कि थर्टीन्थ मेजर रॉक एडिक्ट क्या बात आई क्या बात आई कि बैरीघोषा की जगह आप रिप्लेस होगा धम्म घोषा कि अब हम कल्चरल कॉन्क्वेस्ट करने की बात करेंगे तो वी वैन ही हैड बिन कंसिक्रेटेड एट ईयर्स तो बिलवड ऑफ गॉड उनको कहा जाता था किंग पी बोला जाता था कंकर्ट क्योंकि इन्होंने कलिंगा वॉर को किया था हंड फिफ्टी थाउजेंड पीपल्स रिपोर्ट एंड्रेड वर्सल्ड एंड मेनी टाइम्स नंबर ऑल्सो तो कलिंगा नेक्स्ट हुआ बिलव्ड ऑफ द गॉड उसके बाद धम्मा पॉलिसी इन्होंने लगानी शुरू कर दी वही सब कुछ टीचिंग भी वहीं शुरू होने लग गई तो वेन एन इंडिपेंडेंट कंट्रीज कनकर द स्लॉटर डेथ एंड डिपोर्टेशन ऑफ पीपल तो एक्सट्रीमली बहुत आपका ना दुखी दुख सारों तरफ था कहीं पर भी वॉर चल रही हो तो आप समझ रहे हो ना कैसी कंडीशन हो जाती है तो फिर ब्राह्मणस रमना जितने भी हाउस होल्डर्स थे इनको टीचर्स कॉम्बिडेंट बनाया गया क्वेंटिन से सारे के सारे सबको एक तरफ करा गया फिर हंड्रेड ऑफ थाउजेंड लाइक था। दैट तो अशोका अच्छा नाउ मेड एन आइडोलॉजिकल अपील मैंने कहा कि ना आइडियोलॉजिकल अपील मैं सभी से कर रहा हूँ डिवेंड टुवर्स दी ट्राइबल पीपल और जो फ्रंटियर किंगडम्स हैं तो उनको बोला भाई ट्राइबल पीपल में सिमिलरली आज टू फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ़ धम्मा कि जितने भी लोग हैं वो सब क्या फॉलो करें उन्होंने एक आइडिया प्रोपोगेट करा दैट इज धम्मा पॉलिसीज तो शो का नो लॉन्गर ट्रीटेड फॉर फॉरन एरियाज फॉर मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट तो वो आइडोलॉजिकली कंखर करते थे उन्होंने क्या बनाया वेलफेयर ऑफ मैन एंड एनिमल्स इन फॉरन लैंड ऑल्सो वीच वॉज अ न्यू थिंग कंसिडरिंग ऑन दोज कंडीशन में ऐसा कर पाना बहुत बड़ी बात थी तो ही सेंट अपने एम्बेसडर को भेजा उन्होंने पीस के लिए ग्रेट किंग ग्रीक किंगडम के पास भी जो आपके वेस्टर्न एशिया एंड ग्रीस में था तो ऑल दिस कैन बी सेड ऑन द बेसिस ऑफ़ अशोकापन्स तो इफ़ वी रिलाई ऑन द बुद्धस्ट ट्रेडिशन तो ये बताया जाता है कि मिशनरीज को भेजते थे ये बुद्धिज़म को प्रोपोगेट करने के लिए श्रीलंका में सेंट्रल एशिया में कहाँ से आया इसी वजह से आया क्योंकि ये इतने इन्लाइटेंड रूलर थे अशोका कि उन्होंने कहा कि भाई एरिया ऑफ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन्फ्लुस प्रोपोगेंडा करने का ये भी एक तरीका हो सकता है कि आपने कल्चरल आपने मैंने आपको बताया ना ये क्या शुरू कर दिया था उन्होंने कल्चरल कॉन्क्वेस्ट करना इसको कहते हैं हम हाँ एक होता है ना आपका हार्ड वॉर होती है एक होता है सॉफ्ट तरीके से आप दिल जीतो तो सॉफ्ट इन्होंने सॉफ्ट वॉर इन्होंने शुरू कर दी थी तो कल्चरल बेसिस पे कंक्वेस्ट करना शुरू कर दिया था एक हार्ड पार होती है एक सॉफ्ट पार होती है गैस तो सॉफ्ट पार का इस्तेमाल अब इन्होंने शुरू कर दिया था ठीक है उसके बाद इफ वी इट वुड बी रॉन्ग टू थिंक दैट कलिंगा मेड अशोक एन एक्सट्रीम पैसिफिस्ट बनाया तो उन्होंने पॉलिसी ऑफ़ पीस ज़्यादातर रखा ही अडोप्टिड अ प्रैक्टिकल पॉलिसी ऑफ कंसोलिडेटिंग हिज एम्पायर ही रिटेन कलिंगा आफ्टर इस इनकॉर्पोरेटेड और रिपीटेडली उन्होंने सभी से पूछा कि भई अब धम्मा को आप पूरी तरह से अपनाएं और विद इन इज एम्पायर ही अपॉइंटेड अ क्लास ऑफ ऑफिसर्स जिसको राजू कास कहते थे उनको बोला जाता था हु वर वेस्टेड विद द अथॉरिटी नॉट ओनली रिवॉर्डिंग पीपल बट उनको पनिश भी करा जाता था ठीक है तो कंधार इंस्क्रिप्शन के बारे में याद रखना गाइस इसमें ना उनकी सक्सेस पॉलिसी के बारे में विद द हंटर्स एंड फिशरमैन हु गेव अप किलिंग एनिमल्स एंड पॉसिबली टू का लाइफ ऑफ सेटल्ड एग्रीकल्चरल लाइफ तो ये कंधार इंस्क्रिप्शन में लिखी हुई है ये बात तो इसका ध्यान रखना है आपको कि जितने भी हंटर्स एंड फ़िशरमैन थे जो भी मारा करते थे अब इनको एक सेटल्ड एग्रीकल्चरल लाइफ आ गई है तो ये भी एक सक्सेस है ना उनकी पॉलिसी की तो ऐसे लिखने होती हैं ऐसी चीज़ें देखो आप ना जब भी कोई आंसर लिखते हो कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो उसको ना अपनी बात को रखने के साथ साथ ना उसका कंक्लूडिंग लाइन भी दिया करो कि इस पॉलिसी से हुआ क्या कुछ फ़र्क भी पड़ा सोसाइटी में या बस ऐसे गाना बजाना हो रहा ऐसा नहीं था ना उसके बाद इंटरनल पॉलिसी एंड बुद्धिज़्म की बात करोगे कि अशोका वॉज कन्वर्टेड टू बुद्धिज़म किसकी वजह से क्योंकि कलिंगा वॉर हुआ था तो अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन ही बिकेम अ मॉन्ग बहुत सारे ही उस गिफ्ट्स वगैरह बुद्धिस्ट को और पिलग्रिमेज़ करने लग गए थे वो बुद्धिस्ट श्राइन्स पे जा जाके जा विजिट करते थे वो जा जाके धर्म यात्रा से उनके इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है मैंशन है तो ना बुद्धिस्ट काउंसिल्स भी उन्होंने हेल्ड करी अशोक ब्रदर मिशनरी वॉज नॉट सेंट नॉट ओनली इन साउथ इंडिया बट मैंने आपको बताया ना बाहर की कंट्रीज़ श्रीलंका बर्मा वगैरह में भी गई थी तो मेजर जो आपके इंस्क्रिप्शन थे ब्रह्म स्क्रिप्ट में होते थे ये भी हमने बात कर लिया तो शोका हाई kinship, यानी अपने एंडलशिपल को सब्जेक्ट्स पे बोलते थे कि भी, कि जितने भी है ना आप सबको अपने बच्चों समझने लग गया था एजेंट ऑफ टेक केयर ऑफ द पीपल ठीक है मतलब वो अपने जितने भी इम्प्लॉयज रखते थे उनकी भी बहुत अच्छी से केयर करते थे फिर वो फर्दर कहते थे आप भी सबकी केयर करिए इसीलिए अशोका जो था ना उसने अपॉइंट किया धर्महत्यास का या प्रपोगेट करते थे धर्मा को वेरियस सोशल ग्रुप्स में इवन वुमेंस को भी इंक्लूड करा था उन्होंने फिर उन्होंने अपॉइंट किया राजू काज आपको पता ही है जस्टिस एम्पायर में कैसे जाएगा ना तो जस्टिस सिस्टम के लिए राजू काज होते थे कि एक्चुअली डिसअप्रूव द रिचुअल पॉलिसी जिनको रिचुअल नहीं अच्छे लगते थे डिसअप्रूव किया स्पेशली दोज ऑब्जर्व बाय वुमेन कि भाई मैम बर्ड के एनिमल को किल करेंगे या कंप्लीटली स्टॉटर ऑफ एनिमल्स करके बैठेंगे हम तो ये सब इन्होंने कहा ये सब बेकार की बात है ये सब में नहीं डल जोन है बट अशोक धर्मा वॉज नॉट अ नैरो धर्मा है ना सेकटरी और इवन हम सेक्रेटेरियन फेथ भी नहीं कह सकते तो ब्रॉड ऑब्जेक्टिव उनका यही था कि सोशल ऑर्डर को ऑब्जर्व प्रिजर्व करना है अपने पेरेंट्स की सुननी है ब्राह्मिंस बुद्ध सब मॉन्ग्स को रिस्पेक्ट देनी है स्लेव सर्वेंट्स पे मर्सी दिखानी है दीज इंस्ट्रक्शंस कैन बी फाउंड बुद्धिस्ट और ब्राह्मिकल फेथ में भी आपको दोनों में दिखने को मिलेगा तो अशोका ने ना लोगों को कहा जियो जी और जीने दो टू लिव एंड लेट लिव ही एम्फेसाइज टूवर्ड्स कि भाई कंपैशन रखना है दया करनी है एनिमल्स पे प्रॉपर बिहेवियर करना है अपने रिलेटिव से और फैमिली को स्ट्रेंथन करना है एग्जिस्टिंग सोशल क्लासेस को इन्होंने स्ट्रेंथन करने की बात करी उन्होंने कहा कि अगर हम अच्छी तरीके से बिहेव करते हैं तो हमें हेवन मिलेगा ही नेवर सेट कि दे वुड अटेन निर्वाना बट ये कहते थे कि अच्छा काम करोगे तो हेवन में जाओगे तो अशोका की जो टीचिंग थी वो सरफ़ ऐसे ऐसे इस वक्त चल रही थी सोसाइटी के अंदर अच्छा अशोका का हिस्ट्री में क्या प्लेस है इसमें भी समझो इट इज सेट दैट जो पैसिफिक पॉलिसी ऑफ अशोका थी रिंड द मॉर्न एम्पायर बट दिस इज नॉट ट्रू क्यों क्योंकि अशोका हैज़ अ नंबर ऑफ अचीवमेंट होज क्रेडिट वो सटनली ग्रेट मिशनरी रूलर थे उस टाइम के इतनी ग्रेट झील में उन्होंने अपने डिवोशन के साथ अपने मिशन को अचीव करा और बहुत घर में भी यानी कि अपनी कंट्री में फिर बाहर भी उनको इससे बहुत अप्रिसिएशन मिला था तो अशोका ब्रॉट अबाउट द पॉलिटिकल यूनिफिकेशन सबसे बड़ा काम देखो अशोका का अगर अशोका के बारे में आपसे डिस्कस किया जाएगा तो आप बताओ सबसे पहले उन्होंने काम अपनी कंट्री में ये किया कि ही जस्ट यूनिफाइड द पोलिटिकल यूनिफिकेशन की उन्होंने पूरी कंट्री की बाउंड बाउंडेड फर्दर बाय वन धर्मा वन लैंग्वेज है ना कितनी बड़ी बात थी एंड प्रैक्टिकली वन स्क्रिप्ट कॉल ब्रह्मी विच वॉज यूज इन मोस्ट ऑफ हिस् इंस्क्रिप्शन यानी कि पूरी कंट्री को यूनिफाई करके रखा था ना? है ना सबके वैसे ब्रह्मी खरोस्ती है सारी की सारी उन्होंने मिलाई और प्राकृत संस्कृत भाषा का इस्तेमाल कराया तो ही फॉलो द रिलीजियस टॉलरेंट पॉलिसी उन्होंने करी ही डिड नॉट ट्राई टू कि वो बुद्धिस्ट फेथ को बहुत ज़्यादा वो करें उन्होंने रिलीजियस टॉलरेंस पॉलिसी पर जाना अदर अदर टू नॉन बुद्धिस्ट को भी गिफ्ट देते थे एंटी बुद्धिट सेक्ट को भी ये देते थे गिफ्ट्स अशोक बहुत मशीनरी एक्टिविटीज का कितना काम करते थे एडमिनिस्ट्रेशन के कॉज को समझना प्रमोट करना कल्चरल कॉन्टैक्ट बिटवीन ग्रेट कैंगटिक बेस बैकवर्ड डिस्टेंट प्रोविंस में ये इनका एक अचीवमेंट थी अबव ऑल अशोका को हिस्ट्री में इसलिए भी इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि इन्होंने क्या फॉलो किया था पॉलिसी ऑफ पीस नॉन एग्रेशन एंड कल्चरल कॉन्क्वेस्ट या नो मॉडल इन इंडियन हिस्ट्री में आपको ऐसी पॉलिसी करने वाला अभी तक आपने पढ़ा है किसी राजा के बारे में सुना आपने नहीं सुना और एग्जाम्पल समझो एक्सेप्ट एक आपको मिलेगा इजिप्ट में वेयर एखनाथन हैजीव पैसिफिक पॉलिसी इन द फोर्टीन सेंचुरी बी सी बट इट्सा वॉज नॉट अवेयर ऑफ इजिप्शन प्रोड्यूसर्स ऑल दोज इंटेंट ऑन फिजिकल कॉन्क्वेस्ट लेकिन फिर भी अशोका ने क्या करा रिवर्स पॉलिसी अपनाई उन्होंने क्या करा था कल्चरल कॉन्क्वेस्ट करने की कोशिश करी थी अगर कलिंगा वॉर वाला छोड़ दिया जाए तो ही काउंसिल्ड देम टू अडॉप्ट पॉलिसी ऑफ पीस क्योंकि बहुत ज़रूरत था उस समय की हावर so, अशोका की जो पॉलिसी थी दि नॉट मेक हैनी लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन इज वॉइस रॉइज है ना हू डिक्लेयर दैम सेल्फ इंडिपेंडेंट द रिस्पेक्टिव एरिया सिमिलरली पॉलिसी थी कुड नॉट कन्वर्ट इज नेबर्स है ना नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर ऑफ इज एम्पायर तो कहीं कहीं लूप होल ज़रूर रहे लेकिन विद इन ट्वेंटी फाइव डेज ऑफ अशोका एज एक्जैक्ट पावर जो आपकी नॉर्थ में स्टूडेंटियर की थी वो जरूर जाती रही लेकिन आपको सारे इंप्रेशन याद रखने हैं ठीक है थेके? तो यार दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर विल मीट यू फॉर द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट सेशन थैंक यू कीप लविंग कीप लाइकिंग एंड आर सब्सक्राइबिंग आर चैनल